हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों इस समय आपका यूपी पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर क्लासेस चल रही है, जिसमें दोस्तों आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट चलाई जा रही है। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखें, इस पर दोस्तों आपको सभी वीडियो लगातार मिल रही है। तो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को 7 से 8 बजे मॉर्निंग में 7 से 8 बजे डेली आपको वीडियो वहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन को प्रेस रखें और मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस समय आपका चल रहा है अदिश त्रिगुणन। आपका इसमें जो चैप्टर में बात करेंगे वो अदिश त्रिगुणन फल की बात करेंगे, अर्थात स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे पहले दोस्तों मैं आपके लिए समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और आपका द्विपद सिद्धांत और आपका सारणिक, ठीक है, डीसीडी आप एपी जीपी और आप डिटर्मिनेंट्स और बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, ये सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है आप चैनल के प्लेलिस्ट पर। ये दोस्तों आपका चैनल है, इसके प्लेलिस्ट पर आप इसके द्वारा आप चैनल के द्वारा प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर हमने सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, केमिस्ट्री फिजिक्स और दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स में आपका अदिश त्रिगुणन फल में आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके डिप्लोमा के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 से 5 नंबर के ये भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है, ये आपका दोस्तों 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको हम बात करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि आपको इसमें लिम्डा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि सदिश आपको दिया है वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -3j कैप + k कैप, और बी दिया गया है आपको i + 2j - 3k कैप, सी दिया है j + λ k कैप। ये कह रहे हैं कि ये समतली हैं, आपको ए बी सी ये तीनों दिया गया है, ये समतली हैं, ठीक है, तो आपको इसमें लिम्डा की वैल्यू निकालना है। अगर ये तीनों ए बी सी समतली हैं तो बताएँ लिम्डा का मान। तो इसके लिए एक नियम होता है दोस्तों, अगर तीन आपके जो ए बी सी जैसे तीन सदिश हैं वो समतली हैं, तो उनका एक फार्मूला होता है ए बी सी समतली होगा तो आपको ब्रेकेट के अंदर लिखना होगा दोस्तों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल कितना 0, ठीक है। तो अगर आप तीन समतली होंगे तो यही रूल होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी ब्रेकेट के अंदर आपका क्या होगा दोस्तों, इसके इक्वल आपका आ जाएगा 0। तो इसी फॉर्म में हम लिखते हैं, तो उस फॉर्म में लिखने के लिए हमको सारणी के फॉर्म में लिखना होगा। इसके क्या करते हैं हम यहाँ पर सिंपली इसको लिखेंगे, तो आप देखेंगे ए बी सी ए की वैल्यू कितना है, ए बी सी में आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 हमने लिखा, इसकी जे की वैल्यू -3 तो यहाँ -3, के की 1 तो यहाँ पर 1, ठीक है। इसी प्रकार ये ए का कंप्लीट हुआ, इसी प्रकार हम बी की वैल्यू इस पूरी वैल्यू को पुट कर यहाँ पर रखेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों सी की वैल्यू जितनी है आपका ये सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर आई का फंक्शन है, इसलिए आई को क्या माना जाएगा 0, जैसा कि यहाँ पर 0 रखा गया है। उसके बाद जे का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसलिए यहाँ पर 1 रखा गया, कितना दोस्तों 1 रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ लेमडा की बात करें, के की वैल्यू कितना है लेमडा, तो यहाँ पर लेमडा। अब इसी को सिंपली आपको ओपन करके हल करना है और लेमडा की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इसको क्या करते हैं, हम ओपन करने के लिए हमने आपको बताया कि क्या किया जाता है, ओपन कैसे किया जाता है। अगर हम 2 से ओपन करेंगे तो आपका ये दोनों रो और कॉलम खत्म होगा, तो इससे इससे दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर हम 2 से ओपन करेंगे तो 2 × 2 आपका क्या हो जाएगा 2λ + 3, चूंकि माइनस में ही होता तो 2λ × 2 2λ + 3 हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है या माइनस होता है या प्लस होता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर माइनस होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस लगा है, फिर -3 क्यों, इससे ओपन करेंगे तो आपका -3 × इससे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर -3 × λ - 0, क्यों, चूँकि यहाँ पर लेमडा की वैल्यू जो निकाली जाएगी, आप देखिए दोस्तों यहाँ पर -3 हमने लिखा है, इससे ओपन किया जाएगा तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर तो लेमडा, लेकिन 0 को -3 से करेंगे तो 0, इसीलिए λ - 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम +1 से ओपन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 - 0, ठीक है, तो आपका 1 - 0 हो जाएगा। इस प्रकार इसको ओपन करते हैं दोस्तों, तो 4λ + 6 + 3λ + 1 और λ = आपको आ जाएगा 7λ = -7λ, तो 7λ = -1, ये आपका आंसर हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है लेमडा का मान बताइए और आपको 3 सदिश दिया है कि ये तीनों समतली हैं तो लेमडा का मान बताएं, तो आपको सिंपली ए बी सी को क्या करना है सारणिक के फॉर्म में लिखना है और उसको बस सिंपली आपको हल करना है, जो आएगी लेमडा की वैल्यू वही आपका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है, आपसे इसमें पूछा गया है कि उस समांतर खटफलक, ठीक है, खटफलक का आयतन ज्ञात करें जिनके किनारे i + j + k या i - j - k तथा
आई प्लस टू जे माइनस के, ये तीन आपको सदिश दिए गए हैं, इनको बताना है दोस्तों, किनारे दिए गए हैं, इनमें बताना है समांतर खट फलक का आयतन। तो इसका दोस्तों जो फार्मूला आता है, पहले आप वेक्टर ए इज इक्वल टू आप लिख लेंगे इसको, वेक्टर बी इसको ले लीजिए, वेक्टर सी इसको, अर्थात वेक्टर ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, तो आपको सिंपली अब अलग कर लेते हैं। उसके बाद क्या है जी, समांतर खट फलक आयतन जो होता है वो निकालना होता है, उसका फार्मूला आपका सिंपली होता है ए बी सी हो गया आपका। आप यहाँ सिंपली इसको ओपन करेंगे, ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, ए बी सी की जब आप सिंपली रखेंगे वैल्यू, ए की वैल्यू और आई जे के सभी की वन है, तो आप देख रहे हैं सभी में वन वन है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, वन माइनस वन और वन, वन माइनस वन वन, तो हमने सिंपली इसको ओपन यहाँ पर पुट किया। इस ए की वैल्यू को इस पूरे रो में पुट करना है, फिर बी की वैल्यू इस रो में पूरा पुट करना है, फिर सी की वैल्यू इस रो में पुट करना है, क्या करना है उसके गुणांक को करना है, ना कि आई जे क्यू को, ठीक है। फिर सिंपली आप इसको वन से रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस टू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से वन से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पर दोस्तों जो होता है आपका, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर जो आपका होता है दोस्तों, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, इसीलिए यहाँ पर जब ओपन करते हैं तो पहले माइनस से करते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये पहले माइनस वन किया गया है, फिर उसके बाद इसको कैंसिल, माइनस वन हो जाएगा ये आपका माइनस वन, ठीक है। तो वन माइनस वन हो जाएगा, अगर हम टू से ओपन करते हैं यहाँ पर ओन से करेंगे तो टू माइनस टू कितना हो जाएगा, टू प्लस वन हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर हल करेंगे तो ये समांतर खटफलक का आयतन आ जाएगा चार घन इकाई, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें खटफलक पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको आपको सारणी के फॉर्म में लिखना है। दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ आपको दिया गया है सिद्ध कीजिए कि 4a प्लस बी प्लस 5c, और दूसरा दिया है आपको दोस्तों 4a माइनस बी प्लस 2c, और अगला दिया है आपको माइनस 6a प्लस 5b प्लस 4c समतली हैं। क्या करें, समतली हैं, अगर ये सिद्ध कीजिए कि समतली हैं जबकि ए बी सी क्या है, कोई सदिश हैं, तो आपको सिद्ध करना है, ये जो आपको दिए गए हैं ये आपको इसको सिद्ध करना है कि समतली है। तो दोस्तों मान लेते हैं आपको जो पहला दिया है वो अल्फा है, दूसरा आपका बीटा है, और तीसरा आपका गामा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम अगर अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं तो आपका सिंपली इसको ओपन कर सकेंगे और हल कर सकेंगे। इसके लिए हम इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। और दोस्तों इसका एक रूल और है, अगर आपका समतली है तो उसका रूल ये होता है कि जो सारणिक होता है इसको हम सारणिक के फॉर्म में पहले लिखेंगे, तो अल्फा बीटा गामा समतली होंगे अगर आपका अल्फा बीटा, अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर इनटू डॉट आपका क्या होगा दोस्तों, गामा वेक्टर, ये सभी का मल्टीप्लाई जो आपका कोष्टक में लिखा गया है, अगर जीरो आता है तो आपका ये समतली होगा। तो अल्फा बीटा गामा को हम क्या लिखते हैं, सारणिक फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे आपका, तो ये कैसे लिखा गया है, ये आपका दोस्तों जो दिया गया है सदिश उसी को दोस्तों रो या कालम में आप लिख सकते हैं। जब इसको आप सिंपली ओपन करेंगे इंटू ए बी सी से जो मल्टीप्लाई भी किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको सिंपली आपको ओपन करना है, जैसे आप सिंपली सारणिक को ओपन करते हैं, जब ओपन करेंगे तो आपका सिंपली आ जाएगा कितना दोस्तों, जीरो, और जीरो को वेक्टर आपका ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो इस प्रकार ये दिया गया सदिश क्या है, समतली है। अगर दोस्तों आपका दिया गया सदिश का समतली सारणिक करते हैं और जीरो आ जाता है तो क्या है सदिश, वो आपका समतली है। अल्फा बीटा गामा क्या है, यहां पर सदिश है, क्योंकि यहां पर हमने हल किया, ये आपका कितना आ गया, जीरो आ गया। दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिया गया आपको सिद्ध कीजिए कि वे चार बिंदु जिनकी स्थित सदिश 4a प्लस 5j प्लस k माइनस j माइनस k 3i प्लस 9j प्लस 4k तथा माइनस फोर आई प्लस फोर जे प्लस फोर के है, तो समतली हैं। ये आपको चार बिंदु दिए गए हैं, चार इससे सदिश दिए गए हैं, इनको बताना है, आपको सिद्ध करना है कि ये चारों बिंदु जो दिए गए हैं ये समतली हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको ए बी निकालना होगा, माना कि वो बिंदु आपको ए बी सी डी है, ठीक है, वो बिंदु क्या है, ए बी सी डी है। तो पहले आपको निकालना होगा ए बी, ए बी का मतलब है बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए जिसे आप लिखते हैं, या बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित, बी का स्थित सदिश कितना है, ये आपका बी का है, माइनस जे माइनस के, और बीच में है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ए का स्थित सदिश, ए का कितना है, फोर ए फोर आई प्लस 5j प्लस k, तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपका सिंपली आ जाएगा कितना, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ए सी निकालना है तो c का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश, तो c का क्या है आपको, ये लास्ट वाला c का हो गया स्थित सदिश माइनस a का, मतलब ये फर्स्ट वाला a का स्थित सदिश माइनस करेंगे तो आपका ए सी आ जाएगा। ए डी निकालना है तो ए डी का स्थित सदिश मतलब d का स्थित सदिश और माइनस a का स्थित, d का स्थित सदिश कितना है आपका, 4i माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k है, माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k है, ये आपका AD का स्थित है, तो D का स्थित माइनस A का, A का कितना है दोस्तों आपका, A का है 4i प्लस 5j प्लस 5 प्लस k। तो इस प्रकार आप जब इसको हल करते हैं, I को I से, J को J से, K को K से माइनस किया जाता है, ओपन करेंगे तो आपका क्या होगा दोस्तों, इतना आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने निकाला ए बी ए सी ए डी का सभी का निकाल लिया है, जिसको दोस्तों आप निकालने के बाद क्या करेंगे, चार बिंदु आपको दिए गए थे तो आपको क्या करना है,
अगला पॉइंट यही कि जो ए बी सी है समतली होंगे, यदि ए बी ए सी और डी सी समतली होंगे, यदि ये समतली होंगे तो वो भी आपका समतली होंगे, और ए बी सी समतली होंगे इसका मतलब क्या है कि आपका ए बी सी की जो सारणिक वैल्यू है अगर आपकी जीरो आ जाती है तो ये समतली हैं। तो हम इसको सारणी के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ सारणी के फॉर्म में लिखने के लिए आप डायरेक्टली, चूंकि यहाँ पर एक बात को समझिए, अगर आप दोस्तों चार बिंदु की बात करते हैं, चार बिंदु की बात करते हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको दिया गया है 4i प्लस 5j प्लस के दिया गया है, तो आप इसको ओपन करते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी की, जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपका यहाँ पर सारणी के फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो आपका यहाँ पर 4i माइनस जो जो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, ए बी की वैल्यू रखेंगे, ए बी की वैल्यू आप देख रहे हैं माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2 है, यहाँ पर रख दिया, फिर ए सी की वैल्यू आप रखेंगे माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 यहाँ पर हमने लिख दिया, उसके बाद आप लिखेंगे ए डी की वैल्यू तो आप रखेंगे माइनस 8 माइनस 1 माइनस प्लस 3 यहाँ पर हमने लिख दिया, इसका गुणांक आई जे का गुणांक हम रखते हैं, तो इस प्रकार आप जब इसकी वैल्यू सभी पुट करेंगे उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली जैसे सारणी को ओपन किया जाता है उसी प्रकार आपको ओपन करेंगे तो आपको इसको हल करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। अगर दोस्तों इसका वैल्यू ए बी सी की जो वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर बी वेक्टर सी का जो कोष्टक में लिखकर इसको हल किया जाता है, अगर इसकी वैल्यू सारणिक से हल किया जाता है जीरो आ जाती है तो ये ए बी सी डी आपके क्या होंगे, समतली। अगर ए बी सी समतली है अर्थात आपके ए बी सी डी समतली है, तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर आपको समतली सिद्ध करना है तो इसको आपको पहले सारणिक के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, सारणिक के फॉर्म में लिखेंगे और इसको हल करेंगे उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो आपके समतली होंगे, लेकिन अगर आपको चार बिंदु दिया जाता है तो आपको ए बी ए सी और ए डी मानना होगा, उसका ए बी लिखते हैं तो ओ बी माइनस ओ ए करते हैं, ठीक है, बी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको चार बिंदु देता तो आपको ए बी ए सी ए डी मानना होगा, उसके बाद इसकी वैल्यू जो आती है ए बी ए सी ए डी की उसको यहां पर आपको पुट करना और हल करते, अगर जीरो आ जाता तो मतलब आपका समतली है। तो इस प्रकार हमने बताया आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों, मैं आपके लिए दोस्तों सभी जो आपकी कॉमन सब्जेक्ट है मैं वीडियो उसको जल्दी ला रहा हूं दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें शेयर जरूर करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों कोई भी मैथ का फिजिक्स का केमिस्ट्री का वीडियो आपको देखना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।